गुजरात दंगों को लेकर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर देश भर में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान आया। उन्होंने देशवासियों को सचेत रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि देश में लोगों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इससे सचेत रहने की जरूरत है। वो कहते हैं कि इस तरह के प्रयास सफल नहीं होने चाहिए। करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी राष्ट्रीय कैडर कोड जो होता है उसकी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही कि एकता का मंत्र ही भारत को महान बनाने का एकमात्र तरीका है। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और इसकी पीछे की वजह है भारत के युवा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं संबोधन में कि आजाद भारत में पल पल देश के लिए जीने का रास्ता ही हमें दुनिया की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। देश को तोड़ने के लिए कई बहाने ढूंढे जाते हैं, भांति भांति की बातें निकालकर मां भारती के संतानों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश होती है। लाख कोशिशें की जाएं, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि एकता का मंत्र बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है। भारत के भविष्य के लिए एकता का मंत्र ये संकल्प भी है और भारत का सामर्थ्य भी है और भारत की भव्यता प्राप्त करने के लिए यही एक मार्ग है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उस मार्ग को हमें जीना है और उस मार्ग पर आने वाली रुकावटों के सामने हमें नहीं झुकना है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान एनसीसी कैडेट्स के लिए था, लेकिन चूंकि यह बयान बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर उठ रहे विवाद को के बीच में आया है, इसलिए इस बयान के कई सारे मायने हैं। प्रधानमंत्री का यह बयान गोधरा कांड के बाद 2002 में हुए गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर हो रहे विवाद के बीच आया है, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। फिलहाल इसे केंद्र सरकार ने देश में प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि कई शिक्षण संस्थाओं में छात्र संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन को लेकर हंगामा भी किया, जिस पर विवाद की स्थिति लगातार सामने आती रही। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो को YouTube और Twitter पर ब्लॉक कर दिया, जिसमें उनकी कई सारी गुजरात दंगों को लेकर बातें की गई थी। ये वीडियो बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री का क्लिप है। दरअसल बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसके पहले एपिसोड की ही क्लिप जो वायरल हुई, जिसे लेकर इतना विवाद हुआ, उसमें 2002 के गुजरात दंगों को लेकर कुछ तस्वीरें, कुछ फैक्ट दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि वो तथाकथित डॉक्यूमेंट्री का विवाद ही उसे कह सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वीडियो को ब्लॉक करने के लिए YouTube और Twitter को आदेश भी दे दिया है। इस वीडियो को लेकर करीब 50 ट्वीट किए गए थे, उन्हें भी ब्लॉक किया गया है। ये आदेश IT रूल्स 2021 की आपात शक्तियों के तहत किया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगा 2002 पर आधारित है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, और इस वायरल हो रहे वीडियो में पीएम मोदी के खिलाफ कई सारे प्रोपेगेंडा किए गए हैं, ऐसी खबरें हैं। इस बीच प्रधानमंत्री का ये कहना कि देश में सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि तोड़ने वाली ताकत बहुत सक्रिय हो रही है, वाकई में चर्चा का विषय है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।